हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर आई हूँ जिसका नाम है इंद्रधनुष। जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम आ गया है और कई बार हमें इस मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये इंद्रधनुष कैसे बनता है उसके बारे में ये कविता है। आइए शुरू करते हैं कविता। वर्षा का जल बरस कर बादल जब छट जाते हैं, सूर्य अपना प्रकाश फैलाने सामने तब आ जाता है। नन्नी नन्नी कुछ बूंदें अब तक आसमान में रही थी घूम, उन्हीं में से छन कर रोशनी लगी दिखाने धूप। बूंदों में से छन कर धूप ने सातों रंग दिखलाए, धनुष की भांति फैला आकाश में इंद्रधनुष कहलाए। बच्चों, आकाश में फैले इंद्रधनुष को कुदरत ने है बनाया, इसे बना सकते हो तुम भी, विज्ञान ने है ये समझाया। पीट करो सूरज की ओर, साबुन पानी के बुलबुले उड़ाओ, बुलबुलों से छन कर रोशनी सूर्य की देख सात रंगों को पाओ। तो ये है हमारी कविता इंद्रधनुष। इसमें बताया गया है कि जो इंद्रधनुष है उसमें सात रंग होते हैं, जो कि आप भी जानते हैं, हम इंग्लिश में भी गौर कहते हैं। और अगर आप हकीकत में इंद्रधनुष अपने आप बनाना चाहते हैं तो सूरज की तरफ रोशनी अपनी पीठ लेकर खड़े हो जाओ और सामने पानी के बुलबुले, साबुन के बुलबुले छोड़ो, तो उसमें आपको ये सारे रंग दिखाई देंगे। ट्राई करना और इस पर कमेंट करके बताना कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।